अल्लाह सानू कामयाबी वाली आखरत दी जिंदगी अता फरमाए। मेरे भाईओ अगर असी रुपए पैसा उड़ा देने आ, लोग जा जा के कबरां दे उत्ते चादरां चढ़ा देंदे ने, कबरां दे उपर कपड़े डाल के आ जांदे ने, दिए जला के आ जांदे ने, उत्ते रोशनियां करके आ जांदे ने, खुशबूआं लगा के आ जांदे ने। याद रखो साडियां खुशबूआं कबर दे अंदर कोई नहीं जा सकदियां। कबर दे अंदर अगर खुशबू होएगी ते तेरे मेरे नेक अमाल दी होएगी। अगर असी लाइटां जलाने आ कबर रोशन नहीं हो सकती मेरे भाईओ, वो बरज़खी जिंदगी है, जिंदगी नहीं। अगर कबर दे उपर लाइटां लावांगे ओ कबर वाले नूं इस बात का फायदा कोई नहीं। कबर दे उपर चादरां तू लखां चढ़ा लै, इस बात का फायदा नहीं। यही चादरां अगर तू रोक के किसी बेवा यतीम दे सर ते रख देगा, अल्लाह तेरी जिंदगी भी बना देंगे ते आखरत दी जिंदगी भी बन जाएगी। जिंदगी दे अंदर ते असी उहदी कदर कीती नहीं। जिंदगी दे अंदर माँ बाप साढ़े तो इन्ने तंग रह चले गए, भाई दे नाल भाई दी दुश्मनी जदों फौत हो गया ते फिर उहदे नाम दियां बड़ियां देगां, फौत हुंदा ही जावे ते बड़ा सानू याद आन लग पैंदा। इन्नी कदर अपने माँ बाप दी दुनिया दी जिंदगी दे अंदर करो ताकि कामयाबी सानू भी मिल जाए। और चादरां जिहड़ियां असीं मुर्दियां दे उपर डाल दिंदे आ, इह पैसे बचा के अपने बीवी बच्चियां ते लगाओ, अपने आन गवांढ देखो कोई यतीम मस्कीन ते नहीं बैठा, यतीम मस्कीन भुखे मर रहा है। ज़्यादा कदर अल्लाह पाक दे, हाँ साढ़े वास्ते फायदा इस बात दे अंदर है कि असीं गवांढियां दा ख्याल पहले करिए, रुपए पैसा उन्हां नूं देईए ताकि वह खाँदे रहन और अल्लाह पाक सानू दुनिया ते जान तो बाद भी सानू अजर सवाब दे नाल नवाजदे रहन। सदका जारिया। और अगली हदीस समाप्त फरमाया जी, सही इब्ने खुज़ैमा दे अंदर 2490 नंबर हदीस है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी नामे नामी इसमें ग्रामी सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो, जनाब अबू हुरैरा रवायत कर देने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जदों बंदा जान वाला दुनिया तो चला जाता है, इहदे कुछ कम ऐसे ने, ए दुनिया तो चला गया है कबर दे अंदर गया चला, और बाद वाले वो कम करते ने या उन्हां तो फायदा हासिल करते ने, अल्लाह पाक मरण वाले नूं सवाब अता फरमा देंदे ने। नंबर एक फरमाया, इलम जिहदी वजह तो लोगों नूं फायदा हासिल होए, औ इल्मिन युनतफाउ बिहिन नास। हदीस सही बुखारी वाली सी ना जिहड़ा हदीस, उहदा दूसरा टुकड़ा भी है, ऐसा इलम जिहदी वजह तो लोगों नूं फायदा होए। और ये बेहतरीन इलम पता किहड़ा है, आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, बेहतरीन जिहड़ा कुरान पाक सिखांदा है और अगे सिखदा भी है दूसरे नूं सिखांदा भी है। कुरान पाक अपने बच्चों नूं पढ़ाओ, खुद भी सीखो, और ये इलम सानू क्यामत तक कबरां दे अंदर फायदा देने वाला जे। दीन दा इलम अपने अंदर लाजम कर लवो। बच्चा दुनिया तो चला जाए, एमए कर गया, डॉक्टर बन गया, पीएचडी कर गया है, इंजीनियर बन गया है, लेकिन दुनिया तो अख बंद होई, उहदा दुनिया तो ताल्लुक टुट गया, दुनिया तो चला गया है, उहनूं फायदा अगे कबर दे अंदर वह चीज़ पहुँचाएगी जिहड़ी उहने दीन दी सिख लई है। दीन दे मुताबक जो अमल कर रहे आए उहनूं फायदा पहुँचाएगा। आओ लोगों, मैं तुहानूं इह दावत देना चाहना, अपने बच्चियां नूं दीन दी तालीम तो आरासा करो ताकि साढ़े तो बाद दुआवां करन, साढ़े तो बाद नमाज़ां पढ़न। जिहड़ा बंदा किसे नूं कोई नेकी दा कम सिखा जांदा है वह बंदा नेकी करदा रहिंदा है, उहदी वजह तो मरन वाले नूं क़यामत तक या उहदी जिंदगी तक अल्लाह पाक बराबर सवाब अता फरमांदे रहणगे। इत्थे सादा मिसाल समझ लो, बाप अपने बच्चों नूं पढ़ा गया, दीन दा आलम बना गया, हुण उहनां ते जाण तों बाद बच्चे मस्जिद दे अंदर आए, अल्लाह दी ज़ात जानदी है ना, इन्नियां दी बात दिलां दी बात भी छुपी नहीं, अल्लाह दी ज़ात जानदी है, आप दी जुबान है जिस दे अंदर कोई शक ही नहीं। आपने फरमाया जो बंदा किसे नूं नेकी दी तरफ दावत देंदा है और उहदी दावत दी वजह तो कोई बंदा नेकी करना शुरू कर दे और नेकी दी दावत देने वाले नूं अल्लाह बराबर सवाब अता फरमांदे ने, भावें कबर दे अंदर चला जाए। हुण बाप अपने बच्चों नूं अच्छी तालीम दे गया, बच्चे मस्जिद दे अंदर आंदे ने, बाप दुनिया तो चला गया, वालदा दुनिया तो चली गई, अल्लाह पाक नूं अमल इन्ना पसंद आंदा है, बंदे नूं नेकी मिलनी मिलनी है, वह बाप जिहड़ा दुनिया तो चला गया, कबर की जीनत बन गया, कबरां दे ढेर दे थल्ले जो मां आ गई है, अल्लाह की कसम है उनकी अच्छी तरबियत तलीम की वजह तो अल्लाह उस मां नूं कबर दे अंदर सुकून अता फरमाणगे।
उस बाप नूं कबर दे अंदर सुकून मिलेगा। अपने बच्चों नूं तुहानूं नमाज़ दे हुक्म दिया करो, ये ना होए असीं जाइए बच्चे पिछे दुआ भी ना कर सकन। उन्हां नूं दुआवां कुराने पाक दा इलम सिखाओ, दुआवां सिखाओ। जनाजे ते खड़े होए, बच्चा बाल दा जनाजा पढ़ रहा है, बच्चा बाप दा जनाजा पढ़ रहा है, उत्थे मूँह चुप करके खड़े ने, उधरों फिर मिनट डेढ़ दा जनाजा पढ़िया ते गए, इहदा फिर की मरन वाले नूं फायदा होएगा। सानूं इह सोचना चाहीदा है कि असीं एक बच्चे नूं भी 25 साल तक असीं उहनूं अपने हत्थां नाल खिलाने आ, उहनूं जॉब मिल गई, अलहदा हो गया, 30 साल तक बस मिलिया, माँ बाप दा सहारा खत्म। हुण वो बच्चे नूं जिहड़ा 30 साल तक उहने खिलाया है, बच्चा पिछे रह गया, बाप कबरां नूं चले गए, बुढ़ापे नूं पहुँच गए, कबरां दी जीनत बन गए, और बच्चे दे मूँह दे अंदरों कोई नेकी दा लफज भी ना निकले, नमाज दी तरफ जाए ना, और बाप माँ दी कबर ते जाके दुआ भी ना कर सके, ऐसे बच्चे नूं पालन दा की फायदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, नेक औलाद जिहड़ा बंदा छड़ के चला जांदा है, ओ औलाद नेकियां कर दिए अल्लाह मां बाप नूं अजरो सवाब दे नाल नवाजदे रहिंदे ने। और अगली बात सुने आजे, किसे बंदे ने कोई मस्जिद तमीर कर दी, अल्लाह दा घर बना दिता, हदीस दी बात कर रहे हैं, अल्लाह दे पाक नबी फरमांदे ने, कोई बंदा मस्जिद बना जांदा है, अल्लाह दा घर बना जांदा है, इते बंदे दे दिल दे अंदर ख्याल आएगा, लो जी मस्जिद कल्ला बंदा ते बना नहीं सकदा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा अल्लाह दे घर दे नाल एक ईंट बराबर दे जगह दा भी तावन कर देंदा है, एक चिड़िया दे घोंसले दे बराबर भी जगह दे नाल तावन कर देंदा है, इन्नी जगह दा रुपए पैसा दे देंदा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने, बन अल्लाहु लखू बैतन फिल जन्ना, क्यामत वाले दिन अल्लाह दे सामने आओगे, अल्लाह तुहानू एदे बदले एक जन्नत दा महल अता फरमा देंगे। अगली बात, जो बंदा मुसाफिर खाना बना जाए, राह चलते मुसाफर जाते ने, रस्ते ते कोई साएदार दरखत ही ला दिता, लोग उस साए दे थले बैठ के आराम करते ने, सुकून करते ने, और उन्होंने इत्मीनान मिलता है। अल्लाह दे नबी फरमाते ने, ये बंदे ने जेड़े ने दरखत लगवाया है या मुसाफर खाना बनवाया है, अल्लाह पाक उस बंदे नूं उन्नी देर तक फायदा पहुँचाते रहेंगे जिनी देर उहदा साएबान चलता रहेगा। किसी दे वास्ते चश्मा जारी करना, कोई खाला बनाता, कोई नलका लगवाता, कोई मोटर लगवाती, अल्लाह दे बंदियां नूं फायदा होएगा, अल्लाह दी मखलूक इहदे तों पानी पीएगी, फायदा हासिल करेगी, और किसे वास्ते पानी दा इंतजाम करना, अल्लाह दी कसम है एड्डी वड्डी नेकी है कि असीं सोच भी नहीं सकते। पानी पिलाना, सुबहान अल्लाह, पता किड्डी वड्डी नेकी है पानी पिलाना, सादा पानी पिला दिओ, इहदी बड़ी वड्डी नेकी है। एक मिसाल मुख्तसर हदीस सही मुस्लिम दे अंदर, एक नापाक जिन्हों असी नचन गाण वाली औरत कहने, एक नापाक जानवर कुत्ते दे बच्चे नूं पानी पिलाया, अल्लाह पाक ने उहदी मगफरत फरमा दित्ती सी, मखलूक ते रहम ते दूसरा पानी पिला दिता। साढ़े अंदर भी ये मुहब्बत पैदा होनी चाहिए है। और अगली बात सुने जी, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ये हदीस सही मुस्लिम दे अंदर, मुस्तदरक हाकम दे अंदर, मुस्नद अबी अवाना दे अंदर, सुनन निसाई दे अंदर, इब्ने हब्बान दे अंदर मौजूद है। अल्फाज हदीस दे की ने, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया, रिबात यौमिन व लैलतिन खैरुम मिन सियाम शहरिन व क़ियामिह। आपने फरमाया, जेड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर एक रात पैरा देंदा है, एक रात पैरा दिता, मखलूक दी हिफाजत कीती है, अल्लाह दे बंदियां दे घरां दी हिफाजत कीती है, उहनां दे माल दी हिफाजत कीती है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, वा इन माता, अगर वह बंदा फौत हो जांदा है, पैरा देंदा देंदा दुनिया ते चला गया, किसे बेईमान ने हमला कर दिता, जालम ने हमला करके उहनूं कतल कर दिता, वह बंदा दुनिया तो चला जाए, जरा अलैही, जिहड़ा अमल करदा रहे इवें ही उहदे ते जारी रहेगा जिवें बंदा पैरा दे रहा है। अमलहुल्लज़ी काना यअमलुहु, ओ अमल जिहदे अंदर उहने जिंदगी गुजार दित्ती, ओ अमल उहदे उपर उवें ही जारी रहेगा। वा अजरिया अलैही रिज़्कुहु, कबर दे अंदर जाएगा, अल्लाह उहदा रिज़्क जारी फरमा देणगे। वा आमिनल फत्तान, अल्लाह पाक कबर दियां फितनियां कोलों भी महफूज फरमा लैणगे, अल्लाह पाक क़यामत दियां सख्तियां कोलों भी उस बंदे नूं महफूज फरमा लैणगे। एक रात अल्लाह दे रस्ते दे अंदर पैरा देना,
इस्लामी लश्कर दा होए, अल्लाह वास्ते मखलूक दा पैरा होए, उन्हां दे माल दी हिफाजत वास्ते बंदा खड़ा रहिंदा, फौत हो जाए ते अल्लाह दे हाँ एवें ही गया है कि जिवें पैरा ही दे रहा है, उहदा एवें ही अमल लिखिया जा रहा है कि पैरा दे रहा उहनू रिजक भी मिल रहा, अल्लाह उहनू फितनियां कोलों भी महफूज फरमा लैंदे ने। कि जिहदे वास्ते दुआ कर रहे हो वह काफर ना होए, वह मुशरक ना होए। मैं नहीं कह रहा जी, अल्लाह दा कुरान है, सूरत दा नाम सूरत तौबा, सूरत तौबा की आयत नंबर 113 अल्लाह पाक ने फरमाया किसे वास्ते भी तुसी दुआ करो, लेकिन देखना है कि वह मुशरक तो नहीं, वाजे शिरक तो नहीं करता सी, काफर तो नहीं, इनकारी तो नहीं, अल्लाह का बागी बंदा तो नहीं, उहदे वास्ते दुआ करो। क्योंकि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यह बात साबित है, कुरान पाक दा पहले मुकाम सुनया जी, सूरत अल हशर की आयत नंबर 10 है, अल्लाह पाक फरमांदे ने वल्लदीना जाउ मिन बादिहिम यकूलूना रब्बना गफिर लना, ओ बंदे जेड़े उन्हां तो बाद आए, ईमान वाले बंदे, उन्होंने आख्या अल्लाह साडे भरावां नूं बख्श दे, जेड़े ईमान साडे तो पहला लैके आए थे दुनिया तो चले गए, अल्लाह उन्हां नूं बख्श दे, उन्हां वास्ते दुआवां करदे ने, अल्लाह बड़े रऊफुर रहीम ने, अल्लाह उन्हां दीआं दुआवां दी वजह तो उन्हां ते रहमो करम नाज़िल फरमांदे ने। और अगली बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, हदीस सहीह बुखारी दे अंदर, सुनन निसाई दे अंदर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों नजाशी हबशा दा बादशाह फौत हो गया, आपने सहाबा नूं हुक्म दिता, ए मेरे सहाबा इस्तगफिरू ली अखीकुम, अपने भाई नजाशी वास्ते मगफरत दी दुआ करो, अल्लाह ओहदे गुनाहां तों दरगुजर कर दे, मुआफ फरमा दे। किसे मैयत वास्ते दुआ करना जायज है। अगली दलील सुनिया जे, मुसनद अहमद दे अंदर हदीस पाक मौजूद है, कान यखरुज इला बल इला बकी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी कब्रस्तान दे अंदर गए, और फयदउ लहुम, ओ नाम फौत होण वालेयां वास्ते नबी मोहतरम ने दुआ कीती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलो सय्यदा आयशा रजी अल्लाहु तआला अन्हा ने सवाल कीता नबी पाक कोलो, आप अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया इन्नी उमिरतु अन अदउ लहुम, अल्लाह ने आसमान तो मैनू हुक्म दिता है इन्हां फौत होण वालेयां वास्ते मगफरत दी दुआ करा। हदीस बिल्कुल सही है, मुस्नद अहमद दे अंदर, मोता इमाम मालिक दे अंदर, निसाई मुस्लिम दे अंदर मौजूद है। आओ लोगो, अल्लाह दे कुरान दी आयत मैं तुहाड़े सामने पढ़ना चाहना, सूरत तौबा दी आयत नंबर 113। इत्थे मैं सबक देना चाहना, अगर कोई बंदा मुशरक है, अगर कोई बंदा काफर है, कुरान ओहदे वास्ते दुआ करन तो मना फरमा रहा है, भावे तुहाडा रिश्तेदार ही क्यों ना होए, तुहाडी बाप क्यों ना होए, अगर वह मुशरक है तो उहदे वास्ते मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, अल्लाह पाक ने मना फरमा दिता है क्यामत तक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चचा अबू तालब, ये जी मैं आयत पढ़न लग्या, यदा शाने नजूल ही है, सहील बुखारी के अंदर, तफसीर सूरत तौबा के अंदर बाद मौजूद है, तफसीर इबने कसीर के अंदर और दीगर तफसीर के अंदर भी बाद मौजूद है। कुरान पाक की आयत सुनो, मा काना लिन्नबी वल्लदीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल्मुश्रिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। ए सोने नबी जी, किसे नबी वास्ते ए बात लायक ही नहीं, वल्लदीना आमनू, ना किसे मोमन बंदे वास्ते ए बात जायजे, अन यस्तगफिरू, ये के ओ इस्तगफार तलब करे, ओ बख्शिश मंगे, लिल्मुश्रिकीन, मुशरिकां दे वास्ते, वलौ कानू, अगर चे फौत होने वाला बंदा उली कुर्बा, ओदा करीबी रिश्तेदारी क्यों ना होए, आपदा चचा दुनिया तो चला गया, आपने अपनी कमीज उतारी, चचा दे वास्ते भेज दीती, शायद अल्लाह पाक नू आसमान ते रहम आ जाए, अल्लाह पाक मेहरबानी फरमा दे, बख्शिश हो जाए, मेरा चचा मेरे नाल बड़ा प्यार करता सी। सैयदना अली ने आके खबर दीती रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, फरमाया सोने हो, तो मेरा अबू दुनिया तो चला गया है, तुहाडा चचा दुनिया तो चला गया है, आप तशरीफ लेके आए, आपने अपना लुहाब उन्होंने मुंह के अंदर डालिया, कि अल्लाह पाक मेरे चचा की मगफरत फरमा दे, मैं अपने तरफ बात नहीं कर रहा। हदीस सहील बुखारी दी, तफसीर इबने कसीर दे अंदर इस आयत दा शाने नजूल ये लिखा गया है, आप अली सलात व सलाम ने अपना लुहाब डाले अपने चचा के मुंह के अंदर और दुआए मगफरत कर देने, अल्लाह मेरे चचा नु माफ फरमा दे, मेरे चचा की बख्शिश कर दे। आसमान तो आवाज आई, सोने हो, किसे नबी वास्ते अल्लाह ने जायज ही नहीं किया कि किसी मुशरक की कबर से खड़े होकर दुआए मगफरत करे। अल्लाह ने अपने नबी नू डांट दिता, ये डांटना होंदा है ना,
कि सुने किसी ने किसे वास्ते तुसी दुआ नहीं करनी, मुशरक और काफर वास्ते दुआ नहीं करनी। हत्ता कि आपने फरमाया ओदी कबर ते, अल्लाह ने फरमाया ओदी कबर ते खड़े हो के मगफरत की दुआ नहीं करनी। अल्लाह पाक ने फरमाया एदे वास्ते 70 मरतबा भी दुआ करो ना ते अल्लाह ने मुशरक नु मुआफ़ नहीं करना बगैर तौबा तो चला गया। ते तौबा करो तो अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ते बड़े बड़े पाप मुआफ़ कर देंदे ने, ये तो कोई बात ही नहीं है। बस मुआफ़ी मंगो, तौबा करो सच्चे दिल दे नाल, अल्लाह पाक फरमा देंगे। और फरमाया किसे बंद आप फरमाते ने अच्छा 70 मरतबा अल्लाह मैं 72 मरतबा दुआ कर देना तू मुआफ़ तो करने वाला बन। अल्लाह फरमाते ने किसे दे लायक ही नहीं आज तो बाद किसी मुशरक की कबर से खड़े होकर दुआ की दे। अल्लाह सानू मुवाहद बनाए। मेरे भाइयों अजीज़ो अकारब दुनिया तो चले जाते हैं उन्हां दी तरफो, अगर तुसी वैसे भी नमाज़ां पढ़ते जे ना आके कुराने पाक पढ़ते जे तो आड़े माँ बाप नू कबर दे अंदर सवाब बराबर पहुँचता रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान सिद्क ने सच्ची जुबान ये बात बयान फरमाई है। तो किसी की तरफों सदका करना है, किसी के उपर कोई जिम्मेदारी रोज़े रह गए ने, सईदा ऐसा फरमा दिया ने और रोज़े उन्होंने नीयत की सी रोज़े रह गए तो आपने फरमाया उसकी तरफ रोज़े भी रख सकता है, नीयत की सी ना नज़र मनी सी, तो लिहाजा उसकी तरफ वो अमल हो सकता है जिहड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साढ़े तक पहुँचाई। वो बात सारी कुरान हदीस के अंदर मौजूद है। जिन्हें भी अल्लाह लोग गलत तरीके अपना रहे हैं, सारे ऐलान हो गया बाप फौत हो गया, कल वह साधा चालवा कुल है तो वो जनाब अल्लाह अगे रोटी खाने नहीं तो वह ना उजाड़ा करया करो, सीधे अल्फाज में बात कर रहे हैं, कोई घुमा घुमो के नहीं कर रहा। सुन्नत रसूल होती तो एक हदीस ज़ईफ ही मिल जाती, नहीं मिलेगी। तो अल्लाह के रसूल में इस इबादत का इलम नहीं सी, अगर ये इबादत होती तो अल्लाह के रसूल साढ़े तक पहुँचाते। मेरे भाइयो इन्हां ही बातों पर मैं इतफा करना, अल्लाह सानू काबिले अमल बनाए, नेकियां करना। सहाबा इकराम साढ़े नालों ज़्यादा जानते सन, असी बहुत थले हाँ, नबी पाक की जात बहुत बुलंद है, उन्होंने बड़ा बखूबी इलम सी नेकी केड़ी चीज़ है। अगर उन्होंने नेकी की है तो कुल हा तो बुरहानकुम, एक दलील ले आओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुसी सच्चे हो असी तुहाडे नाल अमल करने वास्ते तैयार हाँ। अल्लाह साडा हामी नासर होए, जो कमी कोताही अल्लाह मुआफ़ फरमाए। और ऐसिया ऐसी मजलस के अंदर जिथे काम सुन्नत के मुखालफ हो रहा हो, ऐसी मजलस के अंदर शरीक होना भी उन्होंने बराबर का सपोर्ट करना उन्होंने ए भी गुनाह का कम जे। अगर मेरे कोई भाई ने दो सवाल दोबारा करना हो ना, मैं इंशाल्लाह मौजूद हाँ, कुरान हदीस के बारे उनकी रहनुमाई करा। जी सुन्नत की मुखालफत कितने हो रही होना, उत्तर जाना नहीं बनता भावें साढ़े रिश्तेदार ही होना। दसो खबरदार भाई, अगर अल्लाह के रसूल ने यह काम किया तो मैं करने वास्ते तेरे नालों पहले अगे हाँ। ठीक है, अल्लाह सानू काबिल अमल बनाए। वाखुदा वाया अलहमदुल्ला।